ईशान ने शमिता के सामने बयां किया अपना दर्द। शमिता ने ईशान को दी खास सलाह। क्या है पूरी अपडेट, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बिग बॉस 15 की शुरुआत से ईशान और माशा की लव स्टोरी छाई हुई थी, लेकिन अब इन दोनों का रिश्ता टूट चुका है, यानी कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। और अब जो है ईशान को अपने गेम की याद आई है, यानी कि अब ईशान अपने गेम पर फोकस करना चाहते हैं और इस घर में आगे जाना चाहते हैं। वही हम आपको बता दें कि लाइव फीड में साफ साफ देखने को मिला कि ईशान जो है वो शमिता के साथ बैठे हुए थे और शमिता से अपना दर्द बयां कर रहे थे। ईशान बता रहे थे कि मैं यहाँ पर घर में बेहद अकेला पड़ चुका हूँ, मुझे बहुत आगे जाना है, लेकिन इस तरह से जब लोग मेरे बारे में बातें करेंगे तो मैं कैसे आगे जाऊँगा। साथ ही साथ ईशान ने अपना दर्द बताते हुए शमिता को ये भी कहा कि मेरे ऊपर कई जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे बहन की भी शादी करनी है, ऐसे में अगर मैं इस घर में नहीं टिक पाया तो फिर क्या होगा। जहाँ पर शमिता जो है वो ईशान को हौसला देती हुई नजर आती है और कहती है कि ये घर ऐसा ही है, यहाँ पर तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे, लेकिन तुम जो है नेगेटिव लोग के साथ मत रहो, खास करके उम्र के साथ, और तुम जो है घर में पॉजिटिव लोग के साथ रहो, पॉजिटिव सोचो और अच्छा खेलो तो तुम आगे ज़रूर जाओगे। जहाँ पर ईशान जो है वो शमिता की बात में हामी भरते हैं और कहते हैं कि अब वो अपने गेम पर फोकस करेंगे। फिलहाल तो ईशान मायशा पर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब जो है ईशान की नींद खुल गई है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से ईशान को, आप अच्छा खेलिए और खूब आगे जाइए और शमिता की सलाह जरूर याद रखिएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, शो में आपको ईशान का गेम कैसा लगता है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और बिग बॉस से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।